जय बिहार। बिहार से हम, उसी बिहार से जहाँ पे बच्चा के जन्म लेने पर उसके बरही में का बनेगा ये डिसाइड करने से पहले उसके माँ बाप ये बात डिसाइड करते हैं कि हमारा बच्चा जो है पढ़ लिख कर एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। फिर शुरू होता है एक जद्दोजहद जिसके केंद्र में एक सवाल होता है कि बड़का आदमी कैसे बनेगा। पर हमारे माए बाबू जी के जद्दोजहद से छूटता पसीना और उनके टूटता हुआ उम्मीद पर अचानक से पूर्वा हवा के झोंका लेखा आता है एक ठो सलाह। उस सलाह का होता है कि अगर आपका बच्चा प्रतिभाशाली है और नवोदय के एग्जाम में अगर पास कर जाता है आपका बच्चा तो छठा क्लास से लेके 12वां क्लास तक उसको मुफ्त और बेहतर शिक्षा मिलेगा। अब हमारे माँ बाबूजी को मुफ्त शब्द याद रहे चाहे ना रहे, ये जो बेहतर शिक्षा वाला जो शब्द है ना, ये उनके दिमाग में अटक जाता है। माँ बाबूजी जो हैं वो अपना छाती पर इतना मोटका पत्थर रख लेते हैं और माँ बाबूजी के आदेश में अपनी भलाई समझ के हम विद्यार्थी लोग जो हैं वो साला अपना कलेजा को ना काठ बना लेते हैं और घर से बहुत दूर एक चार दीवारी के अंदर 24 घंटा रहने के लिए चुटकी में तैयार हो जाते हैं। साला पहला दिन तो लगता है कि साला ये कहाँ आ गया, न कोई जान न पहचान, माए बाबूजी भी नहीं है, न कोई दोस्त है, साला 7 साल रहना है, रहेंगे सारा कैसे यहाँ पर। अच्छा, ये सब सवाल दिमाग में घूमरते ही रहता है कि इतने में हाउस मास्टर साहब आ जाते हैं ऐसे त्योरी चढ़ा के। उनका चढ़लका त्योरी देख के ये बात एकदम क्लियर हो जाता है, समझे कि बेटा चार दीवारी से अगर बाहर निकलने का सोचे तो पुष्ट कुटाई होगा, समझे पुष्ट कुटाई होगा और उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए तुमको घर भेज दिया जाएगा और टाटा बाय कर दिया जाएगा। चलो भाई, ये भी झटका झेल लिया। अच्छा, ये झटका एक्सेप्ट कर ही रहे हैं कि अब सबसे बड़ा झटका आ जाता है, सबसे बड़ा समस्या खड़ा हो जाता है। तब जाके पता चलता है कि चार दीवारी के अंदर नवोदय में एक ठो और बड़ा भीषण समस्या, उस समस्या का नाम जानते हैं क्या है? सीनियर्स। हाँ, अच्छा उससे भी ज़्यादा बड़ा समस्या है सीनियर्स का फरमान। फरमान सब कैसा कैसा होता है कि नियम है कि अगर कोई भी सीनियर्स तुमको चापा कल चलाते हुए कहीं भी दिख गया तो जूनियर का दायित्व है कि वहाँ पर जाए बिना कहे हुए बोले कि भाई जी थोड़ा साइड हट जाइए और हम चलाएंगे, तो उसको चलाना ही, ये हुआ है वो फरमान। दूसरा फरमान क्या हो गया कि दिन में आप सीनियर को जितना बार देखें उतना बार आपको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून करना है। ये नहीं है कि एक बार देख ले एक बार बोल दिया, एक ही सीनियर अगर आपको दिन में 5 बार मिला तो 5ों बार आपको बोलना है। तो कहने का मतलब है कि सीनियर सबका आदेश का पालन करते करते धीरे धीरे जो जिंदगी है ना वो पढ़ाई के कम बेबसी के ज़्यादा करीब लगने लगती है। अच्छा, अब लाइफ में ये सब चीज़ चल रहा होता है, अचानक क्या होता है कि विद्यार्थी जो है एक दिन बीमार पड़ जाता है, उसको भयंकर बुखार हो जाता है, 104 डिग्री हो जाता है। अब जो है वो आराम से अपने बिछावन पर लेटकर मने मन सोचता है इस बार जो घर जाएंगे ना तो चाहे कुछ भी हो जाए लौट के तो वापस नहीं आएंगे। माँ बाबूजी जिद करेंगे ना तो माँ बाबूजी को समझा देंगे कि ये बाबूजी सुनिए, हम ना सरकारी स्कूल में रह के ही आपको IAS बन के दिखा देंगे, लेकिन ना ओ बाप अब वो चार दीवारी में वापस नहीं जाना है। अच्छा, इतना चीज़ वो सोच ही रहा होता है ना कि तभी उसको लगता है कि उसके कांख में कोई थर्मामीटर घुसा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे घर पे उसके बाबूजी घुसाया करते थे। आँख खोल के देखता है तो देखता क्या है, क्या तो ही तो हाउस मास्टर सर है। वो चौंक जाता है, वो चौंक ही रहा होता है कि उतने में क्या देखता है कि बगल के डेकर वाला क्लासमेट जो उसी के साथ दाखिला लिया है नवोदय में, वो चुपचाप से आता है, कटोरा में पानी लेके आता है, उसमें कपड़ा भिगा के उसके माथा पे पट्टी रख देता है, कैसे ठीक वैसे ही जैसे घर पे उसकी मम्मी और उसकी बहन करती थी, और चौंक गया। अब चौंकते चौंकते लास्ट में जो देखता है ना उससे तो इसका होश ही ना खराब हो जाता है। ये क्या देखता है कि वही खरूस सीनियर
जो इसका बांस किए रहता है, वो सरुआ जो सीनियर है वो इसके वजह से नर्स मैडम के पास जाकर दौड़ कर दवा लाने में हाँफ के दूसरे तरफ घोलट गया है। अब ये हो गए कंफ्यूज, इसको सोचता है कि साला अब हम घर में है कि हम चार दीवारी में है, हम जिसको जेल समझ रहे हैं तो साला घर के जैसा लग रहा है। अच्छा तब तक तो घर पे खबर हो गया ना कि बबुआ बीमार पड़ गए। अब अगला दिन क्या हुआ कि माए बाबूजी पहुंच गए नवोदय। माए बाबूजी पहुंचे, अब बोले लड़का को, कह रहे अरे तुम्हारा तो तबीयत खराब है ना, चलो तुमको घर लेके चलते हैं। अब वही लड़का जो एक दिन पहले तक मना रहा था कि दोबारा यहाँ कदम नहीं रखेगा, वही लड़का अपने माँ बाप को कहता है कि बाबूजी जानते हैं आप काहे परेशान हो रहे हैं, ये जो नवोदय है ना, ये जो कैंपस में ना, हमारे पास जब तक हाउस मास्टर सर, हमारे जब तक सीनियर भैया और हमारे पास जब तक ऐसा ऐसा दोस्त है ना, हमको कुछ नहीं हो सकता, आप फालतू में इतना टेंशन ले रहे हैं, आप चले जाइए, हम एक नंबर हैं यहाँ पर। और फिर शुरू होता है 7 साल का इंद्रधनुषी सफर। इंद्रधनुष जानते हैं उसमें 7 कलर होता है, 7 रंग होता है, और नवोदय के अंदर की जो जिंदगी होती है ना ये भी होती है, बचपन से जवानी का जो 7 साल होता है ना वो 7 अनोखे रंग की तरह होता है। आज वो बच्चा 7 साल पूरा करने के बाद भले नवोदय से बाहर निकल गया है, लेकिन नवोदय जो है ना सर, उस बच्चे के अंदर से बाहर निकल ही ना पाया है और शायद कभी निकल भी ना पाएगा। वो बच्चा को आज भी सुबह 5:30 बजे उठना होता है ना तो उसको अलार्म लगाने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। पता है काहे? काहे कि आज भी उसके कान में ना PT सर का सुबह 5:30 बजे का रोज का CT सुनाई देता है उसको। आज भी जब वो लड़का किसी को राशन के लाइन में खड़ा होकर उकताते हुए देखता है ना तो उस पर हंसते हुए कहता है कि अरे साला इससे ज्यादा देर तो हम लोग बाथरूम के दरवाजे पे खड़े हो जाते थे। आज भी वो बच्चा उसी तन्मयता के साथ अपने आराध्य को स्मरण करता है जो तन्मयता वो तब सीखा था जब नवोदय में हर सुबह वो हम ही नवोदय हो गाया करता था। आज वो बच्चा जब किसी रेस्टोरेंट में 5 किलो के कूल डूड को सलाद खाते हुए नाक भौं से करते देखता है तो वो फटाक से नवोदय के मेस में चला जाता है, अपने याद में वो मेस वाले भैया को याद करता है जो छोला और पुलाव बनाते थे जिसको खा के ना ये लोग गदगद हो जाता था, धुआं धुआं गर्दा गर्दा कर देता था। आज भी जब वो बच्चा किसी छोटे को अपने बड़े से जुबान लड़ाते हुए देखता है ना तो अनायास ही उसको ज्योग्राफी वाले वो सर याद आ जाते हैं, 6 फिट लंबे सर जिनके 2.5 किलो हाथ से मार खाने के बद रोने के जगह ये तय होता था कि आई रहे सर आज तुमको ज़्यादा मारे कि हमको ज़्यादा मारे हैं। और वही बच्चा आज जब किसी छोटे से बच्चे को मोबाइल में घुसे हुए देखता है ना तो पता नहीं क्या है 6ठी क्लास में PT सर के कोचिंग के बाद अपना कबड्डी, अपना बुढ़िया कबड्डी, अपना ढेंगा पानी, अपना लॉन्ग डाइव, वो शॉर्ट डाइव, वो जंपिंग, सब उसको याद आने लगता है। आज भी जब वो बच्चा प्यार मोहब्बत और संबंधों का मॉडर्नाइजेशन देखता है ना तो उसको अपने नवोदय का बॉन्डिंग याद आ जाता है, उसको अपने नवोदय का इश्क याद आ जाता है। अरे बॉन्डिंग सर, बॉन्डिंग तो ऐसा था ना कि रजुआ के घर से ना गाजर का हलवा आता था तो रजुआ की मम्मी ज़्यादा हलवा बना के इसीलिए नहीं देती थी कि उनका बेटा खा के पहलवान बन जाएगा, बल्कि इसीलिए देती थी कि उनके बेटा जैसा वहाँ पे पवनवा भी तो है। और पवनवा घर से आते वक्त एक झोला एक्स्ट्रा निमकी और ठकुआ इसीलिए नहीं लाता था कि सुबह में 2 को खा के पानी पी के गदगद आ जाएगा, बल्कि इसीलिए लाता था कि वो तो ठकुआ खा लिया घर में लेकिन स्कूल में उसका दोस्त अमितवा, सुरेशवा, पार्थवा, अलोकवा ये भी तो है और वो लोग भी इसकी भावना का सम्मान करते थे। अरे तभी तो पवनवा के स्कूल में एंट्री मारने के साथ ही उसके झोला पर सर्जिकल अटैक हो जाया करता था और ऐसा अटैक होता था कि सारा सामान वहीं लुटिस हो जाता था, उसके बाद झोला भी फट जाता था। अरे बॉन्डिंग का बात क्या कहें सर, अरे बॉन्डिंग तो ऐसा है ना सर कि नवोदय के किसी स्टूडेंट को ये पता चल जाए ना कि उसका सीनियर, उसका दोस्त किसी परेशानी में है तो उसको बिना कुछ कहे हुए वहाँ पहुँच जाता है और पहुँचने के साथ वो अपने उस दोस्त को पहले पुष्ट मारता है इस बात के लिए कि साला तुम बताया का ही नहीं रहे कि तुम प्रॉब्लम में था। और ऐसा ऐसा कमीना दोस्त सब जब पहुँचता है तो प्रॉब्लम रह सकता है, कहाँ से प्रॉब्लम और समस्या ख़त्म हो जाता है ना, साला टेर भी नहीं चलता है। संस्कार की बात मत कीजिए सर, संस्कार तो इतना होता है नवोदय में ना कि लड़का पढ़ लिख के जब IAS IPS भी बन जाता है उसके बावजूद भी अगर उसको कोई टीचर दिख जाए, उसको उसके बावजूद भी अगर उसको वही खड़ूस सीनियर दिख जाए
वो आईएएस भी उस खरू सीनियर को झुक कर पैर छू के आशीर्वाद जरूर लेता है। ये है नवोदय का बॉन्डिंग सर, ये है नवोदय का संस्कार, ये है नवोदय का प्यार। और अब बात करते हैं इश्क की सर। अरे 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 इश्क, इश्क का क्या बात कहें सर आपको। आज भी उस बच्चे को उसको पहली बार देखने के बाद सुबह के प्रतिज्ञा में हम सब भाई बहन है वाला लाइन बोलते समय ये सोच लेना कि वो शपथ में है ये नहीं है। फिर क्या, फिर पूरा नवोदय भाई बहन, लेकिन वो अपनी मोहब्बत दायरे में रहकर इश्क की मिसाल गढ़ते हुए इन जोरों को देख करना, कभी कभी भगवान का जो दिल है ना वो पसीज जाएगा। और तभी तो कई सारी मोहब्बत को भगवान जो है 7 साल के बाद ना 7 जन्म का बना दिया करते हैं। और क्या कहें आपको बताइए, इन 7 साल के जर्नी को समझाने के लिए ना 7 जन्म भी ना कम पड़ जाएगा एक नवोदय के बच्चे। अरे हाँ, बच्चा से याद आया, कैसे हैं आप? ठीक कह रहे हैं ना? अरे आप ही नवोदयन बोलते हैं ना कि नवोदयन कभी बूढ़ा नहीं होता है, हमेशा बच्चा ही रहता है। एक तो राज का बात बताएं आपको, हम ना नवोदयन नहीं है। अब देखिए करिएगा मत हमको, ठीक है, हम नवोदय से नहीं पढ़े हैं। अरे वो तो रास्ता में एक नवोदयन मिल गया था तो उसका हाथ पकड़ के ना पीके लिखा, उसका पूरा हार्ट रीडिंग मार लिया हम, जानते हैं जब उसका हार्ट रीडिंग कर रहे थे ना, अंत में पढ़ते पढ़ते ना वो रोने लगा। शायद उसको 7 साल याद आ गया होगा, शायद उसको नवोदय याद आ गया होगा, शायद उसको वो जर्नी याद आ गई होगी, शायद उसको आप याद आ गए होंगे, शायद उसको टीचर, वो कैंपस, वो सब कुछ याद आ गया। साला जाते वक्त से ज़्यादा आंसू तो नवोदय से घर वापस आते वक्त निकलता है। और ये बात जो है हम रीडिंग मार के नहीं बोल रहे हैं, हम दावे के साथ कह रहे हैं, आपका निकला था कि नहीं निकला था। तो ये वीडियो था समर्पित जवाहर नवोदय विद्यालय को, जहाँ पर न जाने कितनी सारी यादें बनती हैं, न जाने जहाँ पर कितने सारे दोस्त बनते हैं, सीनियर्स बनते हैं, टीचर मिलते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप अपने नवोदय वाले दोस्तों से शेयर कीजिए। और ये वीडियो हम अपने दोस्तों को डेडिकेट करना चाहते हैं, विकास कुमार जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय तेनुघाट से पढ़ा है, आकाश कुमार जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय पूर्णिया से पढ़ा है, और अंत में इस वीडियो के लेखक पवन कुमार अर्पित को ये वीडियो समर्पित है जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय बिहिया से पढ़ा है। और इत्तफाक से उसी विद्यालय में हमारे मामा जो हैं श्री रविरंजन जी, वो वहाँ पे शिक्षक हैं। तो ये वीडियो हम अपने इन सब लोगों को समर्पित करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लोग समर्पित कीजिए अपने दोस्तों को। जय नवोदय, जय बिहार। बिहारी नंबर 1 चैनल को ऐसे ही देखते रहिए, प्यार बनाए रखें। जय हो।